अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं जी? आपको वेलकम करता हूँ सेकंड ईयर की इस क्लास के अंदर। आपका हमारा आज से सेशन स्टार्ट हो रहा है। आज हमारा जो है वो पहला दिन है और ये पेड सेशन होगा। अभी एक वीक तक इसकी ट्रायल क्लासेस हैं ताकि जो नए बच्चे हमें ज्वाइन कर रहे हैं कैंपस के ऊपर वो इन क्लासेस को अच्छी तरह से देख सकें, एनालाइज कर सकें, उनको तरीकाकार समझ आ जाए। तो जब वो सेटिस्फाइड हो जाएं तो उसके बाद वो पेड वर्जन की तरफ चले जाएं। अगर एक वीक के बाद अभी आप पे नहीं करेंगे तो फिर हमारी आप लाइव क्लासेस जो हैं वो नहीं ले सकेंगे। आज हमारा चूंकि ये पहला लेक्चर है सेकंड ईयर का, तो इसके अंदर मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा कि ये जो सेकंड ईयर के अंदर हमारा इंग्लिश का सिलेबस क्या है और हमारा जो पेपर 100 मार्क्स का आना है उसकी डिवीजन क्या है। तो हमने पूरा साल क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है। देखें, सबसे पहले हमारे पास सिलेबस के अंदर दो चीज़ें हैं, एक है बुक टू, ठीक है, और दूसरे नंबर पे है हमारे पास मिस्टर चिप्स। ये दो चीजें हैं हमारे पास जो सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड हैं, बुक टू और मिस्टर चिप्स। अब ये जो बुक टू है इसके दो पार्ट हैं। पार्ट वन जिसके अंदर हमारे पास टोटल 10 चैप्टर्स हैं, ठीक है। ये चैप्टर जो है इनको हम कहते हैं प्रोज, ये एसेज हैं। जो इस बुक का पार्ट टू है उसके अंदर हमारे पास 5 चैप्टर्स हैं, ठीक है। इन चैप्टर्स को हम कहते हैं हीरोज, ये पर्सनैलिटीज के ऊपर बने हुए। और फिर एक हमारे पास मिस्टर चिप्स का नॉवल है, छोटा सा, 18-20 उसके टोटल चैप्टर हैं, साथ में कुछ ग्रामर का पोर्शन है। सिलेबस वाइज सेकंड ईयर के अंदर मेरा बेटा जो इंग्लिश का आपका सिलेबस है वो ये है, ये दो चीज़ें, साथ में ग्रामर का पोर्शन होगा। अब मैं आपको बताऊं कि जो आपका पेपर है वो मेरा बेटा एक तो 3 घंटे का होगा, उसके जो मार्क्स हैं वो टोटल 100 मार्क्स होंगे। लेकिन ये जो टोटल 100 मार्क्स हैं इनके अंदर आगे फर्दर डिवीजन है। आपके पेपर के अंदर ही एक पोर्शन है ऑब्जेक्टिव का और एक है सब्जेक्टिव का। जो आपका मेरा बेटा ऑब्जेक्टिव का पोर्शन है ये 20 मार्क्स का है और जो सब्जेक्टिव का पोर्शन है ये आपका 80 मार्क्स का है। अब मैं आपको बताऊंगा कि पेपर के अंदर जो 20 नंबर की ऑब्जेक्टिव आनी है वो कहां कहां से आनी है और उसके अंदर क्या इंक्लूडेड होगा, और फिर आगे जो 80 नंबर का हमारा सब्जेक्टिव है वो उसके अंदर क्या चीजें इंक्लूडेड होंगी। चले जी, ये आपने देख लिया। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव का पेपर होगा जो कि 20 मार्क्स का है उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं। उसके अंदर बेटा 3 चीजें आती हैं, एक है सिनोनिम्स, दूसरे नंबर पे है उसके अंदर प्रेपोजिशन और तीसरे नंबर पे उसके अंदर है सेंटेंस करेक्शन। बीस नंबर में जो सिनोनिम्स हैं वो 10 नंबर के आएंगे, प्रेपोजिशन 5 नंबर की आएगी और सेंटेंस करेक्शन भी आपको 5 नंबर के आएंगे। अब ये जो आपको मेरा बेटा सिनोनिम्स 10 नंबर के आने हैं इसके आगे फर्दर डिवीजन है 3, 3 और 4। क्या मतलब है कि जो पहले आपको 3 सिनोनिम आएंगे वो आपकी जो बुक टू है उसके पार्ट 1 से आएंगे, जो अगले 3 नंबर के सिनोनिम होंगे वो आपकी बुक 2 पार्ट 2 में से आएंगे, और ये जो 4 नंबर के आपके सिनोनिम हैं ये मिस्टर चिप्स में से आएंगे। समझ आ गई मेरा बेटा? जो आपको 20 नंबर की सेकंड ईयर के इंग्लिश के पेपर के अंदर ऑब्जेक्टिव आनी है वो कैसे आनी है, वो उसमें 10 नंबर के सिनोनिम आएंगे। लेकिन ये 10 नंबर के सिनोनिम कहां कहां से आएंगे? 3 नंबर के सिनोनिम बुक 2 के पार्ट 1 से, 3 नंबर के बुक 2 के पार्ट 2 से,
और चार नंबर के आपके मिस्टर चिप्स में से आएंगे, ठीक है जी। बेटा वॉइस का साथ कोई इश्यू नहीं है, जरा आप या तो हैंड फ्री लगाओ या जरा पेज को रिफ्रेश करो, हमारे एंड से वॉइस का जो है वो कोई इशू नहीं आ रहा। अगर साथ के अलावा किसी और को वॉइस का इशू आ रहा है तो वो हमें जल्दी से बता दे ताकि हम उस इशू को रिजॉल्व कर लें, लेकिन मेरे एंड पे जो है वो मेरा बेटा कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, अब ये जो पांच नंबर की प्रेपोजिशन है, जाहिर है ये ग्रामर का पोर्शन है, ये हमने करना है अलग से। इसी तरह सेंटेंस करेक्शन, ये भी ग्रामर का पोर्शन है। इसके अंदर हमें जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पता होना चाहिए, ठीक है जी। इसके अलावा हमें कॉम्बिनेशन मिस्टेक्स का पता होना चाहिए, यूज ऑफ वर्ब का पता होना चाहिए, या यूज ऑफ टेंसेस कह लें कि कौन सा टेंस कैसे इस्तेमाल करना है, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सारी चीजें जो है वो हमें इसके ऊपर कमांड होनी चाहिए, तभी हम अपने ये पांच नंबर का जो पोर्शन है इसको मेरा बेटा जो है वो हम करेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये आपने ऑब्जेक्टिव का पोर्शन देख लिया। आगे अब हम चलते हैं कि जो सब्जेक्टिव का पोर्शन है 80 मार्क्स का, उसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, ठीक है जी। ये अब आपको समझ आ गई कि ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या चीजें आनी है। अब मैं इसको, आप इसकी पिक्चर ले सकते हैं या मेरा बेटा इसको साथ साथ नोट कर लो, क्योंकि बार बार ये चीजें नहीं बताई जाएंगी, इसी पहले लेक्चर के अंदर ही मैं आपको इसका पैटर्न वगैरह ये सारी चीजें बता रहा हूं। अच्छा जी, रिदा कह रही है थोड़ा स्लो बताएं, ओके स्लो बता देता हूं। देखो बेटा, 20 मार्क्स की आपकी ऑब्जेक्टिव आएगी बोर्ड के पेपर के अंदर, उस 20 मार्क्स की जो है, ओके स्क्रीन क्लियर करवा लेते हैं, जो डिवीजन है उसके अंदर तीन चीजें आएंगी जो आपको 20 नंबर की ऑब्जेक्टिव आनी है। 10 नंबर के उसके अंदर आपको सिनोनिम्स आएंगे, 5 नंबर की उसके अंदर आपको प्रेपोजिशन आएगी, और 5 नंबर की आपको सेंटेंस करेक्शन आएगी, ठीक है। ये टोटल 20 हो गए। अब मैंने आपके आपको बताया कि जो सिनोनिम्स आपको 10 नंबर के आने हैं वो कैसे कैसे कहां कहां से आने हैं, उसमें मेरा बेटा जो पहले 3 नंबर के सिनोनिम्स होंगे वो हमारी बुक 2 के पार्ट 1 के अंदर जो हम चैप्टर्स पढ़ेंगे उनमें से वो कहीं से भी आ सकते हैं। अगले 3 नंबर के जो सिनोनिम्स लिखे होंगे वो बुक 2 के पार्ट 2 के जो 5 चैप्टर हैं उनमें से कहीं से भी कोई भी वर्ड आ सकते हैं। जो आखिरी 4 नंबर के सिनोनिम होंगे वो मिस्टर चिप्स में से होंगे। तो सिनोनिम का आपको पता ही है कि जो एक जैसे वर्ड्स होते हैं, सिनोनिमस होते हैं, जिनका मीनिंग सेम होता है। 10 नंबर के सिनोनिम्स आपको डिवीजन पता चल गई कि ये कहां कहां से आने हैं पेपर के अंदर, ठीक है। चलो, इकरा कह रही है कि चिप्स कब से पढ़ाएंगे। बेटा अभी तो पहला लेक्चर है हमारा, ठीक है, तो अभी शुरू करेंगे ही, सारा कुछ ही चलेगा साथ साथ। अच्छा, उसके बाद जो अगला आपका मेरा बेटा पोर्शन होगा ऑब्जेक्टिव के अंदर ही, वो 5 नंबर की प्रेपोजिशन होगी, ठीक है। वो प्रेपोजिशन वो हम मैं आपको करवाऊंगा कि प्रेपोजिशन क्या होती है, उसकी एक्सरसाइजेस करेंगे, ये सारी चीजें साथ साथ चलेंगी। उसके बाद तीसरा जो पोर्शन है ऑब्जेक्टिव के अंदर ही 5 नंबर का, वो है सेंटेंस करेक्शन का। सेंटेंस करेक्शन भी अगेन ग्रामर का पोर्शन है, लेकिन इस हिस्से को पढ़ने के लिए, इस हिस्से को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें ग्रामर के ऊपर कमांड हासिल करनी चाहिए। तो जब हमने ग्रामर के ऊपर कमांड हासिल करनी है तो हमें इन सारी चीजों का पता होना चाहिए। एक और चीज के कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, हमें जब पता होगा कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं, कैसे लिखते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर क्या मिस्टेक्स होती हैं, सेंटेंसेस के अंदर कॉम्बिनेशन मिस्टेक्स क्या होती हैं, टेंसेस कब क्यों कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, एक्टिव पैसिव कैसे बनता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनता है, तो फिर ही हम, हमारे पास जो ऑप्शन आएंगी, फिर ही हम जो है वो सही मानों में जो करेक्ट सेंटेंस होगा उसको जो है वो चूज कर पाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव पोर्शन का तरीका कार भी बता देता हूं कि पेपर के अंदर क्या होगा। देखें,
ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन नंबर वन आएगा, ठीक है, और उसका पहले होगा ए पोर्शन। ए पोर्शन जो मैंने आपको बताया ये सिनोनिम से रिलेटेड होगा, ठीक है। ये लिखा क्या होगा कि टिक द राइट वर्ड ठीक है, जो आपको सही ऑप्शन लगेगी आपने उसको जो है वो करेक्ट कर देना है। इसी तरह मेरा बेटा इसके अंदर जो बी पोर्शन होगा क्वेश्चन नंबर वन का ही, ये होगा अगेन सिनोनिम्स का। ये वाले सिनोनिम्स होंगे हमारे जो बुक टू है उसका पार्ट वन, ठीक है। ये वाले जो सिनोनिम्स होंगे ये होगी बुक टू पार्ट टू। 3 मार्क्स के ये हो गए, 3 मार्क्स के ये हो गए। उसके बाद मेरा बेटा सी पोर्शन होगा, अगेन ये भी सिनोनिम्स होंगे, ये होंगे मिस्टर चिप्स में से, ठीक है, 4 नंबर के ये होंगे। अब आपको समझ आ गई कि क्या मतलब है इसका। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो मेरा बेटा डी पोर्शन होगा वो होगा कि फिल इन द ब्लैंक्स विद राइट प्रेपोजिशन या अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। ये आपका मेरा बेटा 5 नंबर का होगा। फिर इसी तरह जो इसका ई पोर्शन होगा वो होगा कि टिक या चूज द करेक्ट सेंटेंस। एक सेंटेंस लिखा होगा, ठीक है, और उसकी आगे ऑप्शन दी होंगी, चारों में से जो उस सेंटेंस की करेक्ट ऑप्शन होगी आपने उसको चूज करना है। ये भी 5 नंबर का होगा। 5 और 5 10 और 4 14 और 6 20, ये मेरा बेटा आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन है 20 मार्क्स का। आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारा जो सब्जेक्टिव पोर्शन है उसके अंदर क्या चीजें होंगी। जो मेरा बेटा आपका पेपर का सब्जेक्टिव पोर्शन है वो उसके 80 मार्क्स होंगे, ठीक है। ये 80 मार्क्स की डिवीजन कैसे होगी मैं आपको बता देता हूं। इसमें हमारे पास आएगा क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू जो है इसकी स्टेटमेंट इस तरह होगी कि आंसर एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये मेरा बेटा आपका 12 नंबर का 12 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन नंबर टू होगा। ये है शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो कहां से आएंगे, ये आपको आएंगे बुक टू पार्ट वन। जो बुक टू का पार्ट वन है जिसके अंदर हमारे पास 10 चैप्टर होंगे, ये मेरा बेटा उसमें से उन 10 चैप्टर में से हमने जो है वो यहां पर क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। टोटल जो है वो हमारे पास 9 क्वेश्चन आएंगे, तो हमने उसमें से 6 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। 9 क्वेश्चन होंगे और उसमें से हमने कितने अटेम्प्ट करने हैं, 6, और हर जो क्वेश्चन है उसके कितने मार्क्स हैं, 2 मार्क्स हैं। तो ये टोटल ये पोर्शन हमारा 12 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। अगेन क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस का है। इसी तरह की स्टेटमेंट होगी जो ऊपर मैंने लिखी है, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चंस कहां से आएंगे, ये आएंगे हमारी जो बुक टू है उसके पार्ट टू के अंदर जो 5 चैप्टर मैंने आपको बताया, ये मेरा बेटा वहां से आएंगे। और ये कितने मार्क्स के होंगे, ये भी जो है वो 12 मार्क्स के होंगे, ठीक है। ये हमारा पोर्शन जो है ये भी 12 मार्क्स का होगा। इसमें आपको टोटल जो है वो 8 क्वेश्चन आएंगे और उसमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं, हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर
फोर। क्वेश्चन नंबर फोर जो है वो अगेन शॉर्ट क्वेश्चंस का है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस कहां से आएंगे? ये आएंगे मिस्टर चिप्स में से, ठीक है जी। ये मेरा बेटा, ये जो क्वेश्चन नंबर फोर है ये 16 मार्क्स का है। इसका मतलब क्या है कि हमने 8 जो क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। आपको पेपर के अंदर जो है वो आपको 12 क्वेश्चन आएंगे और उसमें से आपने 8 अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये तीनों अगले क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और ये टोटल जो है ये 40 मार्क्स का आपका ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये बनते हैं जी। मेरा बेटा कर ले नोट, कर ले, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 2 हमने 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, टोटल पेपर में आएंगे 9, उनमें से 6 अटेम्प्ट करने हैं। ये कहां से आएंगे? बुक 2 का पार्ट 1। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 अगेन हमने शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, ये कहां से आएंगे? बुक 2 का पार्ट 2। 8 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से हमने 6 अटेम्प्ट करने होंगे। बेटा क्वेश्चन ये सारे एक्सरसाइज से ही आते हैं, बहुत कम होता है कि एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन ना आए, ठीक है। आगे आ गया क्वेश्चन नंबर 4, अगेन ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जो हम मिस्टर चिप्स पढ़ेंगे वहां से, ठीक है। इसमें हमें 12 क्वेश्चन मिलेंगे, 12 में से हमने 8 अटेम्प्ट करने हैं जी। मेरा बेटा आयशा, ये मोस्टली 99% जो है वो एक्सरसाइज से ही आते हैं, लिहाजा अभी आप घबराएं नहीं, इंशाल्लाह ये आप जब हम पढ़ेंगे तो ये सारा पेपर आप खुद ही प्रिपेयर कर लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये 40 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये याद रखें। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जो मेरा बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5 है वो होगा राइट एन एसे। आपने एसे लिखना है, आपको पेपर के अंदर जो है वो 4 एसेज आएंगे, उनमें से आपने 1 अटेम्प्ट करना है। ये आपका 15 मार्क्स का जो है वो ये क्वेश्चन होगा। 4 ऐसे आएंगे, उनमें से आपने जो है वो 1 अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये ईडियम से रिलेटेड है, ये हमारे पोर्शन के अंदर है, सिलेबस के अंदर ईडियम्स हमने करने हैं। ये आपको मेरा बेटा पेपर के अंदर 7 आएंगे और उसमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं। 10 नंबर का ये आपका जो है वो क्वेश्चन होगा, ठीक है। सुन लो हारिस, क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा ईडियम से रिलेटेड है, 7 ईडियम आएंगे और उसमें से हमने कितने अटेम्प्ट करने हैं? 5, और 1 ईडियम 2 नंबर का होगा, उसके हमने सेंटेंसेस बनाने होते हैं, तो ये टोटल जो है हमारा 10 मार्क्स का ये हमारा पोर्शन हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये होगा ट्रांसलेट द गिवन पैराग्राफ, ट्रांसलेट पैराग्राफ इनटू इंग्लिश। उर्दू के अंदर पैराग्राफ आएगा और आपने इसको अंग्रेजी के अंदर जो है वो आपने इसको ट्रांसलेट करना है। 15 मार्क्स का आपका ये पोर्शन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है ये भी 15 मार्क्स का है और इसके अंदर हमारा जो पैराग्राफ, हमने उर्दू के अंदर कोई भी पैराग्राफ, अनसीन पैराग्राफ होगा, जो हमने किताबों में नहीं पढ़ा, वो कहीं से कुछ भी पूछ सकता है, तो उसको हमने जो है वो ट्रांसलेट करना है इनटू इंग्लिश, ठीक है जी। ये हमारा बेटा टोटल जो है वो 80 मार्क्स का हमारा सब्जेक्टिव और 20 मार्क्स का हमारा जी। नसाइबा बेटा, ये जो ईडियम्स हैं ये ईडियम्स के अंदर ही फ्रेजल वर्ब्स आते हैं, वो एक ही एक्सरसाइज में आपको करवाऊंगा, उसके अंदर फ्रेजल वर्ब्स ही होंगे, उसके अंदर ईडियम्स ही होंगे, उसी में से पेपर बनेगा इंशाल्लाह। तो ये 100 मार्क्स का आपका ओवरऑल। आयशा बेटा देखो, मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन आंसर्स के अंदर चॉइस होगी, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। उसके बाद जो ऐसे है उसमें भी है, 4 आएंगे, 1 करना है। ईडियम के अंदर भी आपको चॉइस होगी कि 7 आएंगे, उसमें से 5 आपने करने, लेकिन ट्रांसलेशन का जो पैराग्राफ है इसके अंदर कोई चॉइस नहीं होगी, ये एक ही पैराग्राफ आएगा और आपने वही अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है।
फरीद पूछ रहे हैं कि की बुक कौन सी यूज करें। बेटा मार्केट के अंदर बहुत अच्छी अच्छी बुक्स अवेलेबल है, आप कोई भी चाहें आप परचेज कर सकते हैं, लेकिन मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो दो तीन बुक्स हैं, जैसा कि सनशाइन, उसके दो एडिशन है, कंसाइज एडिशन है, कॉम्प्रिहेंसिव एडिशन है, आप कोई भी एडिशन परचेज कर लें, दोनों ही अच्छे हैं। उसके अलावा यूनिक की बुक अच्छी है, अजीम की बुक अच्छी है, ब्राइट की बुक अच्छी है, और भी बहुत अच्छी अच्छी बुक्स जो हैं वो मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। तो आपको, आप जब कोई भी परचेज करने जाएं तो आप 4-5 बुक्स उससे मांगें, उनका कंटेंट देखें, जो कंटेंट आपको बेहतर लग रहा हो वो आप परचेज कर लें। हमजा, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंदर मेरा बेटा थोड़ा फर्क है, जैसे देखें कि फर्स्ट ईयर के अंदर जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो 30 मार्क्स के हैं, सेकंड ईयर के अंदर हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये 40 मार्क्स के हैं, और फर्स्ट ईयर के अंदर तो देखें हमारे पास लेटर और जो एप्लीकेशन है वो 10 मार्क्स की है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके अलावा फर्स्ट ईयर में हमारे पास जो है वो एक मॉरल स्टोरी भी होती है, यहाँ पर ऐसा भी कुछ नहीं है। जमील कह रहे हैं कि पैरा हम कैसे करेंगे, ये बेटा जब हम ग्रामर साथ साथ लेकर चलेंगे, जब हम ग्रामर करेंगे तो जाहिर है इन चीज़ों के ऊपर जब आपको कमांड आ जाएगी तो फिर आप जो उर्दू के सेंटेंसेस हैं उनको ट्रांसलेट करने लगेंगे इंग्लिश के अंदर। उसके साथ साथ मैं आपको एक्सरसाइज भी इंशाल्लाह करवाऊंगा, पैराग्राफ हम यहाँ पर अटेम्प्ट भी किया करेंगे। ऐसे जो है वो कितने पेज का होना चाहिए, ऐसे मेरा ये मानना है कि कम से कम जो है वो 4-5 साइड का तो होना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट 4 साइड का ऐसे तो जरूर हो। जैन बेटा, लर्नर भी ठीक है, मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छी बुक्स हैं, आप कोई भी परचेज कर लें जो आपको बेहतर लगती है, ऐसा नहीं है कि वो अच्छी बुक्स नहीं है, आप खुद इवेलुएट करें, जिसकी वर्डिंग, जिसके क्वेश्चन आंसर्स आपको बेहतर लगे, आपको लगे कि ये मैं अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लूंगा, वो आप परचेज करें। जी ऑफ कोर्स अरफान, क्यों नहीं होगा मेरा बेटा, हमारे तो डेली लाइव लेक्चर्स होते हैं। नहीं लाइबा बेटा, इंग्लिश टू उर्दू हमने ट्रांसलेशन नहीं करनी, फर्स्ट ईयर के अंदर इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन होती है कि हम जो बुक वन पढ़ते हैं उसमें से किसी चैप्टर में से एक इंग्लिश का वाला वो पैराग्राफ आ जाता है और हम उसको उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं, जबकि सेकंड ईयर के अंदर उर्दू का कोई भी पैराग्राफ कहीं से भी आ सकता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं होगा, उसको हमने इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करना है। बिलाल बेटा, जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम 3-5 लाइंस के अंदर लिखें, बस इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी खालिद, स्टैंडर्ड कर लें, बेस्ट है जी। नहीं अब्दुल्ला, हम ग्रामर नहीं करेंगे, पहले जो है वो हम अपना जो बुक है वो स्टार्ट करेंगे, तो हम कुछ चैप्टर्स पढ़ेंगे उसके बाद हम ग्रामर पोर्शन की तरफ आएंगे। आयशा बेटा, आपने क्या करना है कि आपने इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग दोबारा देखनी है, शाम को आपको पता चल जाएगा कि पार्ट वन और पार्ट टू का क्या मतलब है। जी हाँ अफीफा, ऐसे में डेफिनेटली हम कोटेशंस ऐड कर सकते हैं, पैराग्राफ बेटा अनसीन होगा, कहीं से भी आ सकता है। नहीं बेटा उसामा, केपीके का हम जो है वो नहीं पढ़ाएंगे, ये सिर्फ पंजाब टेक्स्ट बुक जो बोर्ड है उसके लिए है क्लासेस। नहीं अब्दुल बेटा, ये सिर्फ ट्रायल बेसिस पर एक हफ्ते के लिए हमारा यूट्यूब पर भी लाइव चलेगा, उसके बाद ये लाइव क्लासेस यूट्यूब पर या कैंपस पर हर कोई नहीं देख सकेगा, सिर्फ वही देख सकेगा जिसने पे किया होगा, और वो भी कैंपस के ऊपर ही। जमील, लेसन की ट्रांसलेशन जो है वो एज सच आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है वर्ड बाय वर्ड, क्योंकि अब इसकी ट्रांसलेशन तो आनी नहीं। रासिम बेटा, एज लॉन्ग एज के आपकी क्वेश्चन के अंदर कोई मिस्टेक नहीं है, ग्रामर की मिस्टेक नहीं है, तो आपने चाहे वर्ड कोई बहुत आसान यूज किए हैं बहुत मुश्किल, इससे फर्क नहीं पड़ता। नहीं बेटा एफए की क्लासेस नहीं होंगी जी। अरफान बेटा, मेरा नाम रिजवान है।
ओके, यानी फिजान कह रहे हैं बगैर यूट्यूब के कैसे स्ट्रीमिंग होगी? बेटा ये वेबसाइट पर होगी, आप इसकी फिक्र ना करें। मिस्टर चिप्स की एज सच मेरा बेटा कोई एक्सरसाइज नहीं है, मिस्टर चिप्स के क्वेश्चन आंसर हेल्पिंग बुक्स के अंदर उन्होंने खुद ही बनाए होते हैं चैप्टर में से ही, तो वो हम किया करेंगे। वेलकम सुहेब जी। साथ बेटा क्या क्वेश्चन है? क्योंकि इतने ज्यादा क्वेश्चन हैं, देखिए मैं हर किसी के क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकता। साथ आप दोबारा अपना क्वेश्चन काइंडली बेटा कर लो। दानियाल कह रहे हैं ग्रामर कब शुरू करेंगे? वी विल सी कि कब हमें जो है वो ग्रामर का पोर्शन शुरू कर देना चाहिए। ऑनलाइन टेस्ट कैसे होंगे बेटा? इसके ऊपर जो है वो हमारे इल्म की दुनिया का जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं, आप वहां से देख लें। नहीं ट्रांसलेशन बेटा बुक वाली नहीं आएगी हारिस। हमजा पैसेज बेटा हम सिर्फ प्रिपरेशन कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो जब हमें कॉन्सेप्ट पता होगा, जब हमें ग्रामर आती होगी, तो फिर उसमें हम जो है वो ट्रांसलेशन उसको खुद ही बना सकते हैं। इडियम्स में हमने क्या करना होता बेटा? हमें जो इडियम आएगा हमने उसका सेंटेंस लिखना होता है। नहीं बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं होंगे, लाइव होंगे। बिलाल अगर आपको वीडियो लाइव क्लियर नहीं मिल रही तो अपना पेज रिफ्रेश करें और वीडियो क्वालिटी जो है वो 1080 पे ले आए। असद पूछ रहे हैं कि 92% से अबव की क्या कोई फी है? मुझे इसके बारे में नहीं आइडिया, मैं पूछ के आपको बता दूंगा। शराज कह रहे हैं ईडीएम और पेयर ऑफ वर्ड में क्या फर्क होता है? बेटा पेयर ऑफ वर्ड जो है वो दो मुख्तलिफ वर्ड होते हैं, ईडीएम एक ही वर्ड होता है। जी बिल्कुल डेफिनेटली कल भी क्लास होगी जी। मिस्टर चिप्स के क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम होते हैं। फरीद ये जो सात आपको पेपर के अंदर idioms आएंगे इसमें एक दो phrasal verb भी होंगे साथ में। फी कितनी है? फी बेटा आपकी जो है वो पूरे साल की 8000 रुपए है। सुल्तान हेल्पिंग बुक मेरा बेटा कोई भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप सनशाइन की परचेज कर लें तो वो बेस्ट है जी। हाँ जो पेड होंगे वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देख सकेंगे। खालिद स्टैंडर्ड ऐसे जो है वो अगर 4 से 5 साइड पे नहीं जाता तो मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे जाएगा। मंथली फी अगर आप मंथली पे करना चाहते हैं तो उसका 1500 होगा जी, सारे सब्जेक्ट्स का, सारी क्लासेस का 1500 है पर मंथ। मैंने बेटा बीएस ऑनर्स किया है इंग्लिश लिटरेचर में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से। नहीं बेटा सिलेबस हम कल से शुरू करेंगे जी। सनशाइन कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ट है जी। जी हाँ 8000 में पूरा सेशन जी, पूरा साल जब तक आपके पेपर नहीं होते। अब्दुल्ला कैंपस के मेन पेज के ऊपर ही इसकी एड चल रही है और उसके अलावा फेसबुक के ऊपर भी इल्म की दुनिया या campus.pk का जो पेज है वहाँ पर भी ऐड है। नंबर आपको उसके सामने उस वहाँ पर लिखा हुआ है, उस नंबर पर कांटेक्ट कर लें फी स्ट्रक्चर के लिए। विशान अगर उन्होंने कल 1000 रुपये कहा था तो शायद वो गलती से कह गए होंगे, अदरवाइज 1500 है बेटा पर मंथ। अगर आप लमसम पे करना चाहें तो वो 8000 है पूरे सेशन की, अगर आप पर मंथ पे करेंगे तो वो 1500 है। कल बेटा हम बुक टू स्टार्ट करेंगे, हमारा जो पहला चैप्टर है द डाइंग सन। जी जो आपके साइंस के सब्जेक्ट्स हैं डेफिनेटली उसके अंदर असाइनमेंट्स भी आपको मिलेंगी। यूट्यूब के ऊपर जो इस साल के लेक्चर्स होंगे उनकी रिकॉर्डिंग्स आपको नहीं मिलेंगी जी। बुक टू हम कल शुरू करने हैं। चलें जी हमारे लेक्चर का टाइम खत्म हो गया, इंशाल्लाह कल आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, लेक्चर एंड होने के बाद अपना फीडबैक जरूर दें। अल्लाह हाफिज।
नहीं बेटा पेट के बगैर टेस्ट नहीं होगा।